हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नेहा है। आज मैं आपको बताऊंगी यूएस बांग्ला मेडिकल कॉलेज के बारे में। सो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये कॉलेज सन 2013 में बना हुआ है और ये BMDC से अप्रूव्ड है और ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। साथ ही ये NMC एंड WHO से रिकॉग्नाइज्ड है। ये कॉलेज 5 फ्लोर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में बना हुआ है जो कि फुली एयर कंडीशनड है। इस कॉलेज में 2020-21 करंट सेशन में 7th बैच चल रहा है, जिसमें से फॉरेन स्टूडेंट्स का 2nd बैच चल रहा है। अगर हम बात करें इस कॉलेज के सीट कैपेसिटी की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 60 हैं, जिसमें से 50% सीट्स फॉरेंस के लिए अवेलेबल हैं। और आज के टाइम में यहाँ पर 50+ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें इस कॉलेज के कोर्स ड्यूरेशन की, तो यह टोटल 5 ईयर का कोर्स है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। जो इंटर्नशिप है वो आप ढाका में भी कर सकते हैं और इंडिया में आकर भी कर सकते हैं। यूएस बांग्ला मेडिकल कॉलेज लो फीस स्ट्रक्चर में सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज में से एक है। इसकी टोटल फीस जो है वो $35,000 है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको $13,000 पे करना है, देन रेस्ट ऑफ फीस आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है। अगर हम बात करें इस कॉलेज के फैसिलिटीज़ की, तो ये फुली एयर कंडीशनड है। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी, कैंटीन, इंटरनेट फैसिलिटी सब कुछ कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। और सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर पूरे कैंपस में ही CCTV कैमरास लगे हुए हैं। इनका जो हॉस्टल है वो गर्ल्स बॉयज़ दोनों का ही सेपरेट हॉस्टल है, जो कि कैंपस के नियर बाय है वॉकिंग डिस्टेंस पर। अगर हम बात करें मेस की, तो आपको पर मंथ 4 से 5 हज़ार रहता है, जिसमें आपको वेज नॉन वेज दोनों ही तरह का खाना अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से खाना बनवा भी सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। दोनों ही फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलती है। अगर हम बात करें हॉस्टल के फैसिलिटीज़ की, तो ये फुली एयर कंडीशनड है एंड यहाँ पे आपको वाईफाई, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, कैंटीन सब अवेलेबल मिलता है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की, तो ये कॉलेज नारायणगंज ढाका में है, जो कि ढाका सिलेट हाईवे में पड़ता है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो ये कॉलेज ढाका एयरपोर्ट से 29 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें आपको 1 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा आप अगरतला बॉर्डर से भी जा सकते हैं। उधर से कॉलेज का डिस्टेंस 107 किलोमीटर है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।